अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो गाइस, अख़ुवत फाउंडेशन और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम की जानब से एक नई अपडेट के साथ आप लोगों के सामने आज हाजिर हुआ हूँ। बहुत सारे लोग इस अपडेट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जो लोग किसी न किसी वजह से अख़ुवत फाउंडेशन से मुंसलिक हैं, चाहे उन्होंने लोन लेना था या लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था और किसी अपडेट के मुंतजर थे, तो आज वो अपडेट आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लोन लेना चाहते हैं अख़ुवत फाउंडेशन से, और उसकी जो सबसे बड़ी और वाजह रीज़न वो यही है कि ये आपको बिना सूद के कर्ज़े फराहम करता है। तो आप लोगों को ये बखूबी पता होगा जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है या जिन लोगों ने अभी अप्लाई करना है, जिन्होंने अपडेट्स ली हुई थी कि अख़ुवत फाउंडेशन ने पिछले 3 माह से जो है वो तकरीबन बड़े लोन देना ऑलमोस्ट बंद किए हुए थे। किसी को भी वो लोन बड़े लोन नहीं दे रहे थे। बड़े लोन से मुराद है कि मैक्सिमम 10,000 से ऊपर किसी को वो लोन दे ही नहीं रहे थे। अब उसकी जो बड़ी रीज़न थी वो आप सभी को पता है कि पिछले 2-3 माह से जब हुकूमत को स्टेबल नहीं है हमारे पाकिस्तान के अंदर, कहीं पे पीटीआई की हुकूमत है तो ऊपर लेवल के ऊपर नून लीग की हुकूमत है, तो बड़ी से जो है ना वो गड़बड़ सा सिस्टम बना हुआ है। और दूसरा, IMF से जो कर्जा लेना था वो उस वक्त कर्जा भी जारी नहीं हुआ होता, अब वहाँ से कर्जे भी जारी हो रहे हैं और बकौल हुकूमत के पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्टर से अब उबर के वापस आ रहा है। तो ऐसे में जो है वो उम्मीद यही की जा रही है और अख़ुवत की जानब से भी यही कहना है, उनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। मेरी वैसे इनके नुमाइंदे से बाकायदा तौर पर बात भी हुई है, उनका यही कहना है कि उम्मीद की जा रही है कि जी 20-25 दिनों के अंदर जो है वो हम कर्जे देना स्टार्ट कर देंगे, जिनकी जो वैल्यू होगी वो 3 लाख रुपए तक होगी, यानी 3 लाख रुपए तक का जो लोन है वो आपको बिना सूद के फराहम किया जाएगा। अब वो दोस्तों की बारी आएगी जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, जिनकी दरख्वास्तें मंजूर हो चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ अब बारी रहेगी है तो उनको कर्ज देने की बारी रहेगी, उनको सिर्फ पैसे मिलने की एक देर रह चुकी है। तो उन लोगों को क्या करना है कि सिर्फ 15 से 20 दिन इंतज़ार करें। उम्मीद करता हूं कि जो है वो अख़ुवत की जानब से आपको मैसेज आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप इनकी जो है वो ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, जो भी आपकी नियरेस्ट ब्रांच है वहां पे जाके मालूमात हासिल कर सकते हैं। जो लोग नई दरख्वास्तें देना चाहते हैं और इस इंतज़ार में हैं कि कोई अपडेट मिले कि अख़ुवत हमें लोन प्रोवाइड करेगा, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा अभी आप लोग जो है वो मज़ीद 15 से 20 दिन इंतज़ार करें। पहले जो लोग जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, जिनकी मंजूर हो चुकी हैं दरख्वास्तें, उनको पहले लोन मिलेगा, और फिर उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है जिनकी दरख्वास्तों को एक दफ़ा देखा जाना है, उसके बाद ही आपकी बारी आएगी। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, अभी इंशाल्लाह प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लोन मिलने शुरू हो चुके हैं, तो उम्मीद यही की जा रही है कि बहुत जल्द जो है वो अख़ुवत जो है वो ये लोन देना स्टार्ट कर देगी। अब ये कन्फर्म नहीं है कि जी 20 दिन बाद शुरू हो जाए, हो सकता है 20 से बढ़ के 1 माह भी हो जाए, लेकिन अख़ुवत की जानब से यही कहना है कि हमें 99% यकीन यही है कि हम 15 से 20 दिनों तक जो है वो लोन देना शुरू कर देंगे। अख़ुवत के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप लोग बिजनेस विद अली को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द, जो भी अगर लोन स्टार्ट हो जाता है देना, तो मैं इंशाल्लाह इस चैनल पर आपको आगाह कर दूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर ली, ताकि आप लोग जो है वो ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रह सकें। बहुत शुक्रिया।